भीलवाड़ा में कोविड काल के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना योद्धाओं को भारत विकास परिषद ने सम्मानित किया। सम्मान समारोह में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एनजीओ व सेवादार शामिल है। सम्मान समारोह में 25 लोगों को कोविड काल में निर्बाध सेवाएं देने पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कोविड में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। विवेकानंद शाखा अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने कहा कि भारत विकास परिषद 59वें स्थापना दिवस पर आज हमने कोविड में कार्य करने वाले योद्धाओं का सम्मान किया। आपको बताना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद के 59वें स्थापना दिवस के ऊपर आज यहाँ कार्यालय भवन पे जिन्होंने कोरोना में बढ़ चढ़ करके काम लिया, ऐसे सम्मान्य कोरोना योद्धाओं का एवं जिन्होंने कोरोना में काम करते हुए जिनकी कोरोना के कारण यह लीला समाप्त हो गई उनको श्रद्धांजलि का ये कार्यक्रम रखा है। इसमें हमने विविध क्षेत्रों के कुल 25 व्यक्तियों का सम्मानित किया गया है जो चिकित्सा जगत से आ गए हैं, प्रशासनिक जगत से आ गए हैं। और चिकित्सा जगत में हमने 3 कैटेगरी बनाई, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और एकदम नीचे का स्टाफ जिसको वार्ड बॉय बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी हमने सम्मानित किया। और प्रशासनिक क्षेत्र में जिन लोगों ने कलेक्ट्रेट में बैठ करके काम किया और ऐसे व्यक्ति का भी हमने चयन किया है जिन्होंने प्लाज्मा डोनेशन में अपनी अहम भूमिका निभाई है, भीलवाड़ा में पहला प्लाज्मा डोनेट किया है और जिन्होंने प्लाज्मा में अधिक से अधिक भीलवाड़ा में सहयोग किया है। इसके साथ ही योग क्षेत्र में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके कोरोना के क्षेत्र में काम किया इसका भी हमने ध्यान रखते हुए उनको भी सम्मानित किया है। भीलवाड़ा की खबरों को कवरेज करने के लिए जिन लोगों ने अपनी पूरा मनोयोग लगा दिया ऐसे व्यक्तियों को भी मीडिया को भी हमने सम्मानित किया है।